हेलो दोस्तों, वीडियो में स्वागत है आप सबका। आज दोस्तों हम क्या बनाने वाले हैं, आइए आपको दिखाऊंगा। ये जो बड़ा वाला गेंडा बनाएंगे, गेंडा तरकारी बनाएंगे। इसको पहले उबाल लेंगे गर्म पानी करके यहाँ पे, के बाद गेंडा तरकारी बनाएंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। हाँ दोस्तों, बीच बीच में का काम पड़ रहा है इसलिए पहली वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, तो अभी समय मिलेगा, कल परसों से डेली वीडियो डालेंगे। आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए और दोस्तों के भीतर शेयर करें। तो पानी गर्म हो गया, अभी इसमें डालेंगे। ये उबाल चुके हैं दोस्तों, अभी निकाल रहे हैं, इसको साफ करेंगे। हाँ दोस्तों, हम लोग ऐसे साफ करते हैं। ये देखिए, इसमें निकालते हैं गेंडा को। ज़्यादा गर्म हो गए हैं इसलिए तो निकल नहीं रहा है। ये मेरा दादी माँ नाना बोलते हैं, अब बना रही है। दोस्तों अभी हम जो बड़ा साइज है उनको काटेंगे, कटिंग करेंगे। ये हो चुके हैं दोस्तों, अभी इसको साफ करेंगे। ये बारिश हो रहा था इसलिए हम लोग यहाँ पे बनाना पड़ रहा है। ये हो चुका है अभी। अभी दोस्तों इनको फ्राई करेंगे बिना तेल का। इसमें जो पानी है इसमें फ्राई करने से ये सूख जाएंगे। बिना तेल का फ्राई कर रहे हैं जैसे हमारा आदिवासी लोग करते हैं। हाँ बारिश हो गया था दोस्तों, इसलिए हम लोग यहाँ पे
बना रहे हैं। ये नमक का मिला रहे हैं। हल्दी पाउडर थोड़ा मिला देंगे। ये पानी निकल रहा है, ये पानी खत्म होने के बाद उतार देंगे। अभी ये पानी सूख चुका है दोस्तों, तेल डाल रहे हैं। अगर पहले तेल डाल दिया होता तो ज़्यादा ही दरकार होता तेल, इसलिए बाद में तेल डाले हैं। ये हो चुके हैं दोस्तों, ये पानी जो सूख चुका है। ये हो चुके हैं दोस्तों, अभी तरकारी बनाएंगे। ये तेल डाल चुके हैं। ये हल्दी पाउडर थोड़ा सा पहले से ही मिला चुके थे। ये मिर्ची पाउडर, ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये मेरा बहन आई हुई है गेंडा खाने के लिए, बड़ी बड़ी बहन।
ये दोस्तों ये टमाटर मेल्ट हो चुका है, अभी गेंडा डालेंगे। गरम मसाला साथ डाल देंगे। ये हो चुके हैं, ¿Vaya?